गुरुदेव प्रणाम, चरण वंदन। गुरुदेव, एक काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे हैं और वो ये पूछना चाहते हैं कि तूफानी चूर्ण को कैसे लिया जाए, कब लिया जाए और क्या क्या परहेज है उसमें, कृपया उस पर प्रकाश डालने की कृपा करें। स्वागत और अभिनंदन। इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को ये जानकारी दी जा रही है जिन लोगों ने तूफानी चूर्ण को खरीद लिया है या जिन्होंने ऑर्डर किया है या फिर जो ख़रीदना चाहते हैं। हालांकि इस चूर्ण के जो रेस्पॉन्स हैं इंडिया से लेकर के विदेश से दूसरे देशों से भी अच्छा परफॉर्मेंस ये दिखा रहा है और कई सारे लोग पूछते हैं, तो सबको अलग अलग गाइडलाइन देने की बजाय मैंने ये वीडियो ये तैयार कर रहा हूँ ताकि शेयर कर दी जाए और वो इस गाइडलाइन से लाभान्वित हो सकें। सबसे पहले जो नए लोग हैं जानना चाहते हैं कि तूफ़ानी चूर्ण के फ़ायदे क्या हैं, वो लोग दूसरी वीडियो देखें, तूफ़ानी चूर्ण के फ़ायदे क्या हैं और उसके रेट क्या हैं और परहेज क्या है। इसमें स्पेशली उनको ही गाइडलाइन है जो लोग इसके उपभोक्ता हैं, ग्रहण कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं इस ओर। सबसे पहले तूफ़ानी चूर्ण सेवन करने वाले व्यक्ति को पेट साफ रखना बहुत आवश्यक है। उसके लिए रात्रि में पंच सकार चूर्ण जो कि डाबर या बैद्यनाथ का मिलता है, आप उसको खरीद सकते हैं 50 ग्राम या 100 ग्राम का डिब्बा। और यदि आपका पेट साफ हो रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है इसको लेने की। एक चम्मच चाय का एक चम्मच 1 टीस्पून आपको रात्रि में भोजन के 40 मिनट बाद एक गिलास गुनगुने पानी से आप ले सकते हैं, जिनको ज़्यादा कब्ज रहती है। वैसे तूफ़ानी चूर्ण अपने आप में पर्याप्त है, इससे पेट भी सही रहता है और फ्रेश भी अच्छे होते हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि तूफ़ानी चूर्ण सेवन करने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए सुबह के लिए कम से कम 1 किलोमीटर की जॉगिंग करना, हल्के हल्के दौड़ना ज़रूरी है। अगर आप दौड़ नहीं पाते हैं कोई बात नहीं, तो कम से कम 20 से 30 मिनट आपको टहलना चाहिए। अगर आप मैदान में नहीं जा सकते हैं तो आप अपने कमरे में या अपने बरामदा में घड़ी लगाकर टाइम देख करके आपको 20 से 30 मिनट टहलना चाहिए नॉन स्टॉप। इस बीच आप अपने इष्ट देव का मंत्र जप सकते हैं, गुरु मंत्र जप सकते हैं और अगर मुसलमान हैं तो अपनी आयत अल्लाह को याद कर सकते हैं। हमारे पंजाबी भाई हैं तो वाहे गुरु का नाम जप सकते हैं, हिंदू लोग हैं तो अपने अपने इष्ट और गुरु का नाम जप सकते हैं। इससे दो फायदे होंगे कि दवा बहुत जल्दी काम करेगी, दवा के साथ दुआ भी ज़रूरी है। उसके बाद आपको ये चूर्ण लेना है, एक गिलास से लेके 1.5 गिलास दूध से कम आपको ये चूर्ण लेना है। और चूर्ण की जो पैकिंग है उसमें एक पुड़िया का साइज बताया गया है, उस पुड़िया के साइज के बराबर आपको डेली एक चम्मच में डाल के उस पुड़िया को डाल के साइज का अनुमान ले लीजिए और उतना ही चूर्ण रोज़ आपको सुबह को नाश्ता के बाद या एक्सरसाइज के बाद पूजा पाठ के बाद उस चूर्ण को आपको फंकी लगानी है। और ऊपर से कम 30 से 40 मिनट कुछ भी खाना पीना नहीं है, केवल कुल्ला कर सकते हैं। इसके अलावा एक हमारी वीडियो है लिंगवर्धक खीर के नाम से वीडियो है, इसको आप रोज़ाना 50 से 100 ग्राम खीर लें। अगर आपके शरीर में गर्मी ज़्यादा है तो आप 50 ग्राम लीजिए। और ठंडे एरिया में रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं या ठंडे प्रांत में भारत में ही रह रहे हैं तो आपको 100 ग्राम लिंगवर्धक खीर लेना होगी। अगर आप जड़ से नपुंसकता, अपना लिंग का ढीलापन और बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा घटक साबित होगा। इसके अलावा आपके खान पान में लाल मिर्च, गरम मसाले वगैरह वगैरह और चावल को कम से कम खाएं और गरम मसाले चिकनी चुपड़ी चीज़ों से परहेज रखें, क्योंकि चिकनी चुपड़ी चीज़ें खाने वालों का वीर्य जल्दी आउट हो जाता है, पक्का खड़ा तो जल्दी हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए जान आ जाएगी उनके लिंग में, लेकिन ज़्यादा देर बस आधे मिनट भी टिकना मुश्किल हो जाएगा जो लोग ज़्यादा चिकनी चुपड़ी चीज़ें खाते हैं। इसके अलावा अगर आप आगे चलते हैं तो दोपहर में आप जो भोजन करते हैं भोजन करें और शाम के लिए खाना खाने से 1 घंटे पहले शाम की पुड़िया लें, वो भी इसी तरह दूध से लेनी है। अब इसमें करना क्या है, अगर आपके शरीर में खुश्की ज़्यादा हो, क्योंकि दवा थोड़ी गर्म है
ये आपके शरीर के कई चीज़ों को फ़ायदा करेगी। तो फ़ायदा जानने के लिए आप दूसरी वीडियो देखो कि तूफ़ानी चूर्ण के फ़ायदे क्या हैं, दूसरी वीडियो है, देख सकते हैं। पूरी बॉडी के लिए ये एक शक्तिवर्धक एक औषधि है, न केवल आपके लिंग को ही मजबूती देगी, ये आपके दिमाग को और आपके हार्ट को और आपके स्टेमिना को, आपकी कमर जॉइंट पैंट बहुत सारी चीज़ों को ये निवृत्त करेगी बीमारियों से। आगे चलते हैं, अगर आपके शरीर में गर्मी खुश्की ज़्यादा हो रही तो आपको क्या करना है, 50 ग्राम टमाटर, 50 ग्राम चुकंदर का आप रस निकाल लें, और रस निकालने के बाद रोज़ाना आप दवा लेने के बाद एक घंटे बाद आप इस एक गिलास रस को पीजिए। इसमें काला नमक या काली मिर्च थोड़ा सा स्वाद अनुसार डाल करके, सुबह को समय नहीं है तो शाम के समय आप ये प्रयोग कर सकते हैं। एक बात और, इस दवा को लेने के बाद इतनी चमत्कारी दवा है कि किसी किसी को तो तीसरी खुराक में ही बड़ा चमत्कार लगता है, किसी को तीसरा दिन लग जाता है। निर्भर करता है कि आपका रोग कितना पुराना है और रोगी की उम्र कितनी है। अगर ज़्यादा उम्र है तो तीसरे दिन में ही आपको औरत की ज़रूरत महसूस करने लगने लगेगी। इसके लिए सावधान परहेज की ज़रूरत है, कम से कम एक सप्ताह तक आप संभोग नहीं करेंगे दवा खाने के बाद। थैंक यू सो मच, इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करें, और जिससे कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, जिसका यौन संबंध, जिसका पारिवारिक जीवन, जिसका यौनिक जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, घर में तनाव हो रहा है क्योंकि भरपूर आप सेक्स नहीं कर पा रहे हैं, औरत तुम्हारे लिए गालियां दे रही है, गिरी हुई नज़र से देख रही है, इधर उधर औरत जा रही है सेक्स करने के लिए या फिर घुट घुट के जी रही है, और इससे क्या होता है, तुम्हारे घर में कलेश होगा, तनाव होगा, झगड़ा होगा, और आत्महत्या और हत्या और पुलिस केस, तलाक, ये सब सारी दिक्कतें क्रिएट होंगे, जिससे आपके बच्चों पे, आपके भविष्य पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए इस चूर्ण का प्रयोग करें और प्रचार करें। ओम शांति।